25 और 40 फीट, 42 फीट इसका हाउस प्लान डिज़ाइन। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इस प्लान डिज़ाइन। तो उससे पहले यहाँ पर हमें डोर और विंडो क्रिएट करना है, उसके बाद इसको हाईलाइट करना है ऐसे। ओके, यहाँ पर ऐसे डोर, तो यहाँ पर अटैच टॉयलेट एंड डब्ल्यूसी, बाथ एंड डब्ल्यूसी, यहाँ पर रूम, इसका डोर, नेक्स्ट यहाँ पर डोर, से डोर। ओके, और यहाँ पर क्लोजेबल गेट एंट्री, एंड आप चलिए उसके बाद हम इसके अंदर कलर ऐड करते हैं, तो आपको डिटेल्स यहाँ पर पता चल जाएगा ऐसे। इधर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पार्टीशन वॉल, नेक्स्ट यहाँ पर रूम के अंदर पार्टीशन वॉल, इधर पार्टीशन वॉल, उसके बाद यहाँ पर और बाहर का जो वॉल, इसके अंदर हम विंडो, वेंटिलेटर ऐसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर ऐसे हम यहाँ पर विंडो क्रिएट करेंगे, और इसका पार्टीशन वॉल देखिए, दो रूम के अंदर ऐसे पार्टीशन वॉल आएगा। उसके बाद यहाँ पर पार्टीशन वॉल, नेक्स्ट इधर 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 पार्टीशन वॉल, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इधर एंड इधर। ओके, नेक्स्ट इधर हम ऐसे विंडो और वेंटिलेटर ऐसे यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इधर ऐसे 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 रहेगा, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे रहेगा, उसके बाद ऐसे यहाँ पर रेलिंग, नेक्स्ट यहाँ पर रेलिंग, इसके बाद यहाँ पर ऐसे कॉलम, यहाँ पर हम सेट करेंगे कॉलम के साथ। यहाँ पर आपको फाउंडेशन भी सेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर कॉलम, नेक्स्ट इधर कॉलम, तो एक यहाँ पर देखिए ऐसे कॉलम रहेगा, इधर नेक्स्ट इधर इधर, उसके बाद इधर एंड इधर। फर्स्ट यहाँ पर ऐसे इस लाइन पर कॉलम रहेगा, उसके बाद इधर नेक्स्ट इधर ऐसे, नेक्स्ट यहाँ पर एंड इधर, तो कॉलम रहेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर डिटेल सेट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर 25 फीट 0 इंच ऐसे डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर 42 फीट 0 इंच बिल्डिंग एरिया। ओके, फर्स्ट बिल्डिंग एरिया, यहाँ पर बेडरूम 11 फिट एंड 14 फिट 2 इंच, यहाँ पर डोर, यहाँ पर डोर, यहाँ पर और एक बेडरूम 12 फिट 9 इंच एंड यहाँ पर 9 फिट 0 इंच। ओके, ऐसे रहेगा। इसके बाद डोर, यहाँ पर बाथ प्लस WC, यहाँ पर वेंटिलेटर, यहाँ पर विंडो, इधर विंडो, इधर विंडो, इधर विंडो, इधर स्टेयर, ओपन स्पेस, डोर, यहाँ पर किचन। ओके, 8 फीट 4 इंच एंड यहाँ पर
4 फीट 9 इंच, 8 फीट 4 इंच एंड इधर 8 फीट 2 इंच। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डाइनिंग प्लस ड्राइंग 12 फीट 9 इंच डिस्टेंस एंड इधर 13 फीट 0 इंच डिस्टेंस। यहाँ पर डोर, यहाँ पर वरांदा। ओके, वरांदा यहाँ पर 5 फीट 0 इंच टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 12 फीट 9 इंच। तो पहले यहाँ पर गेट, तो यहाँ पर आपको गेट दिखा दे रहे हैं, घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर बरामदा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डोर, यहाँ पर D1। ओके, ये यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर मास्टर बेडरूम रहेगा, यहाँ पर मास्टर बेडरूम, उसके साथ WC प्लस लैट्रिन, WC प्लस बाथ। यहाँ पर आपको एक बेसिन मिलेगा। ओके, तो मास्टर बेडरूम यहाँ पर 11 फीट 0 इंच एंड इधर 13 फीट 0 इंच लेंथ ब्रेथ ऐसे रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 6 फीट 7 इंच एंड यहाँ पर 4 फीट 7 इंच। ओके, स्टेयर के जो पार्ट है यहाँ पर 8 फीट 2 इंच टोटल लेंथ, यहाँ पर इसमें से 3 फीट 3 इंच इधर रहेगा और यहाँ पर 3 फीट 3 इंच इधर 3 फीट 6 इंच। ओके, यहाँ पर भी 3 फीट 6 इंच लैंडिंग, इधर भी लैंडिंग ऐसे रहेगा। यहाँ पर 6 फीट 8 इंच डिस्टेंस। ओके, उसके बाद यहाँ पर 5 फीट 3 इंच डिस्टेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बाहर का जो वॉल आउटसाइड 5 इंच वॉल, यहाँ पर 25 x 42 फीट 1050 स्क्वायर फीट। ओके, हाउस डिजाइन, इसका जो कॉलम यहाँ पर टेन बाय 12 इंच का कॉलम आप इस्तेमाल कीजिए G+2 बिल्डिंग के लिए, ठीक है, तो ग्राउंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड के लिए इसके यहाँ पर। तो इसका जो बिल्डिंग का जो टोटल कॉस्टिंग आएगा, यहाँ पर कॉस्ट हम ऐड करेंगे, कॉस्टिंग यहाँ पर 20 लाख प्लस। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।